प्रो को दिखाने वाला हूँ, रैपिडो बाइक कैप्टन कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे आपको इनकम का एक नया रास्ता आप निकाल सकते हैं। सो इसके लिए हम लोग पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। सो गूगल प्ले स्टोर में हम लोग रैपिडो बाइक कैप्टन जो है उसका ऐप इंस्टॉल करेंगे। रैपिडो जो है अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। कि आपका OTP आएगा उसी नंबर पे जिस नंबर से आप लॉगिन किया है। OTP वेरिफिकेशन हो रहा है, आप दिख रहा है यहाँ पे। फिर आपको डालना पड़ेगा आपका नाम, ईमेल एड्रेस। सो अगर उसी मोबाइल पे यूज़ कर रहा है, आपका लॉगिन ऑलरेडी है आपका ईमेल एड्रेस, तो आपको उसी ईमेल एड्रेस को चूज़ कर लेना है आपका नाम। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है और आपको मेल और फीमेल देना है। मैक्सिमम हम लोग मेल राइडर ही है हम लोग का इंडिया में। सो यहाँ पे आपका नाम, डील अपलोड करने के बाद आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड में आपको अपलोड करना है। आपका वैलिड DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस और लाइसेंस नंबर यहाँ आपको लिखाना है, जो आपका गाड़ी का जो लाइसेंस का आपका नंबर है, जिस रीजन से है आप, वो आपको लाइसेंस नंबर यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपायरी डेट भी डालना है। सो हम लोग अभी यहाँ पे लाइसेंस नंबर डालेंगे। हम लोग का लाइसेंस नंबर इस तरह का हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। लाइसेंस का हम लोग का आजकल वन साइड ही लाइसेंस में चिप कार्ड जो हो गया है उस वन साइड है। सो हम लोग को फिर भी बोथ साइड यहाँ पे ऐप में जरूरी है। सो बोथ साइड सेम कॉपी आपको अपलोड करना है अगर बैक साइड नहीं है तो। फिर यहाँ पे लाइसेंस नंबर डाल दिया आपने, फिर आपको यहाँ पे डालना है एक्सपायरी डेट डालना है। सो एक्सपायरी डेट हम लोग ने इस तरह के डाल देंगे यहाँ पे। आपका लाइसेंस का जो भी एक्सपायरी डेट है यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। ये स्टेप नंबर 6 में आएंगे आपका। इस तरह के आपका एक्सपायरी डेट डालने के बाद नेक्स्ट करने के बाद आपका लाइसेंस का बैक मांग रहा है। सो बैक कॉपी आपको वही हम लोग का बैक नहीं है, बैक कॉपी नहीं है तो हम फ्रंट का ही पेज फिर से अपलोड कर देंगे। फिर ये अपलोडिंग हो रहा है, आपको ये अपलोड हो गया। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सो हम लोग का व्हीकल का जो भी बाइक है या स्कूटी है उसका आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सो इसी तरह का बोथ साइड अपलोड करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी वन साइड ही होता है। सो यहाँ पे आपको RC का नंबर डालना है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। सो नंबर डाल दिया, उसके बाद आपका गाड़ी का कलर, जो आपका व्हीकल है बाइक या स्कूटी का कलर डालना है। आपका जो भी है कलर आप चूज़ करके यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिएगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का बैक कॉपी, सो आप लोग देखा है यहाँ पे फिर से मैंने सेम कॉपी को अपलोड किया है।
फिर आपको यहाँ पे आपका लोकेशन, आप जिस भी रीजन से हो, इंडिया का कौन सा स्टेट से हो या कौन सा सिटी से हो, वहाँ पे चूज़ करना है आपको। यहाँ पे दिख रहा है आपका बहुत सारा सिटी है, सो हम लोग अभी आसाम गुवाहाटी से है, सो हम लोग गुवाहाटी चूज़ करेंगे यहाँ पे। सो आपको चूज़ करना है आपका सिटी, उसके बाद कंफर्म आपका ये। इसके बाद एक ट्रेनिंग वीडियो है, ट्रेनिंग वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको ऐप को चलाना है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऐप चलाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। सो यहाँ पे आपको पहले गेस्ट स्टार्ट से करना है, स्टार्टेड करना है। उसके बाद मैंने जिस तरह का आपका लॉगिन किया है उसको आपका बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपका इंग्लिश चूज़ कर लिया हमने, फिर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपका लॉगिन करना है जिस नंबर से आपका रजिस्टर्ड है। फिर आपको आपका इंटरनेट आप चेक कर लीजिएगा, आपका डाटा जो है वो अच्छे से चलना चाहिए। फिर आपका इस तरह का आपका स्क्रीन आएगा, जो आपको रेड जोन दिख रहा है वो डिमांडेड कस्टमर का डिमांडेड एरिया है। सो आपका उस रेड जोन से हम लोग का बुकिंग आएंगे। सो इस बुकिंग ये आपका लोकेशन बताएंगे, इस लोकेशन में कस्टमर है। सो हमको उसके बाद ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर आने के बाद 25 सेकंड के बाद आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। फिर आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद आपका कस्टमर का यहाँ पे लोकेशन आएंगे। आप यहाँ पे ऑप्शन है नेविगेशन, आप नेविगेशन ऑन करके आपका कस्टमर का लोकेशन में जा सकते हैं, या तो आपको कस्टमर को आप कॉल करके खुद पूछ सकते हैं आपका लोकेशन के बारे में। सो आप नेविगेशन ऑन करके जा सकते हैं, फिर आप कस्टमर के पास पहुँच गए तो आपको यहाँ पे अराइव बोल के आपको जो दिख रहा है पट्टी उसमें क्लिक करना है। फिर आप कस्टमर को मीट करेंगे, कस्टमर को ग्रीट करेंगे, कर सकते हैं आपका ट्रिप। आप स्टार्ट करने के बाद जब लोकेशन पहुँच जाएंगे डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे कस्टमर का, तब आप कंप्लीट ट्रिप करना है और आपको वहाँ पे दिखेगा आपके स्क्रीन पे कि आपको कितना अमाउंट कलेक्ट करना है। जो ग्रीन कलर का है उस अमाउंट को कलेक्ट करना है, जो रेड जोन में जो दिखा रहा है रेड कलर में वो आपको पेमेंट नहीं लेना है, वो आपका कैश कलेक्ट जो दिखा रहा है वही कलेक्ट करना है और आपको कस्टमर को रेटिंग देना है। फिर आप नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप रेडी हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सेटिंग में जाकर ऑटो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑटो एक्सेप्ट करने के बाद मतलब आपको होता है कि आप जब राइड कंप्लीट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप आपको ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट होगा। फिर माय रूट बुकिंग है जो आप होम डेस्टिनेशन पे सेट कर सकते हैं, आपका घर आने के लोकेशन में आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर अर्निंग में यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर दिखेगा आपको कितना राइड आपने कंप्लीट किया, कितना किलोमीटर, कितना इनकम हुआ वो बताएंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी भी है, आप एक्स्ट्रा मनी मंथ्स आपका दोस्त को आप रेफर करके आप इनकम कर सकते हैं एक्स्ट्रा मनी। आप व्हाट्सएप या मैसेंजर जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसमें से आप शेयर करके ये आप कमा सकते हैं। फिर ये है कैप्टन केयर, आपका अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कैप्टन केयर को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको लीडरशिप बोर्ड, यहाँ पे आपका सिटी में कौन कौन सा टॉप लीडर है वो आपको दिखा रहा है। फिर रिड्यूम ऑप्शन में जाके आपको देख सकते हैं कि आपको आपका कंपनी में कितना बैलेंस आपका पेमेंट करना है या आपको कितना मिलने वाला है। स्लैब स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे, कितना किलोमीटर में कितना कितना रुपया आपका कितना किलोमीटर में कितना मिलेगा कि वो डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे FAQ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेंगे, आपको क्या करने से क्या होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे। फिर सेटिंग में जब क्या जाके आप आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पे सेटिंग में जाके कर सकते हैं। सो आप कैप्टन केयर में कॉल करके आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इजीली कॉल कर सकते हैं, या तो यहाँ पे चैट ऑप्शन है वहाँ से जाके आपको चैट करना है, ये आपको कस्टमर केयर के साथ बात करेंगे। सो आप रेडी है अभी बाइक ट्रेनिंग के लिए, सो हैप्पी राइडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट यहाँ पर बता रहा है, आपको नेक्स्ट स्टेप आपको लॉगिन कर सकते हैं आप। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू।